ये भी रोड किया, ये तो नया डाला अपन ने इसको, ये नया डाला तो अच्छा रहता है। ब्रेक रोड। नमस्कार, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एक स्विफ्ट राइडर बोलो के लोअर आर्म के बुश क्रैक हो चुके हैं और पीछे के फ्रंट आर्म प्लस फ्रंट के जितने भी सस्पेंशन के पार्ट है उसके जो बुशिंग होती है वो सारी वीक हो चुकी है। उसी प्रकार फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड का शॉक अब्जर्वर वीक हो चुका है और रियर सस्पेंशन सिस्टम के ब्रेक रॉड, फ्रंट रॉड, नकल, हब, उसके सारे बुश वीक हो चुके हैं और फ्रंट गियरबॉक्स असेंबली का भी बुश वीक हो चुका है जैसे हम देख रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि ये गाड़ी में हम पूरा सस्पेंशन का काम करेंगे और हम पूरे पार्ट जानेंगे। फ्रंट सस्पेंशन में ये पार्ट को टायरॉड एंड जॉइंट होता है, इनर बॉल जॉइंट को, और इसे लोअर आर्म कहते हैं। और ये लोअर आर्म में तीन बुश और एक ऑयल जॉइंट होता है। रेयर सस्पेंशन खोलने का काम चालू है और खोलने के बाद ये नकल हब असेंबली जो टायर में लगती है, उसके बाद ये लोअर आर्म जिसके ऊपर शॉक अब्जर और ये अपर आर्म जिसके शॉक अब्जर बैठता है, और ये ब्रेक रॉड एंड फ्रंट रॉड जो बैलेंस रॉड के साथ लिंक होते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं टायरॉड एंड, जिसमें हम व्हील बैलेंसिंग की अलाइनमेंट होती है, टायर की अलाइनमेंट होती है। और वो जो वहाँ पे दो जगह पे बुश लगता है और जो नकल में बुश लगता है उसको हम क्रॉस एक्सल बॉल जॉइंट कहते हैं। अभी इसमें क्रॉस एक्सल बॉल जॉइंट ऊपर है और नीचे नॉर्मल बुश है, और ये वीडियो में टोटल रेयर सस्पेंशन के बुश विथ लोअर आर्म, अपर आर्म, इसमें लोअर आर्म नहीं है और ये यहाँ पे लोअर आर्म दिखाया गया है, और जो बुश किस प्रकार क्रैक हुए हैं इसके फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि ये सारे बुश हम चेंज करेंगे। ये नकल का है, ये नकल के है, रेयर नकल के, और ये बुफर महिंद्रा ओरिजिनल बुश किट आती है, और बुश किट के साथ ये महिंद्रा के जो टायरॉड एंड रियर सस्पेंशन फ्रंट लिंक रॉड टायरॉड एंड फ्रंट का पूरा सस्पेंशन का सामान इसमें है, और ये रियर के शॉक एब्जॉर्वर विदाउट स्प्रिंग विद स्प्रिंग यहाँ पे है। तो हमने ये बाय किया विद स्प्रिंग कैपिटल का, और ये है लोअर सस्पेंशन के लिंक रॉड एंड बैलेंस रॉड जिसपे व्हील अलाइनमेंट होता है। तो ये रियर सस्पेंशन का काम है। अभी हम आगे देखेंगे किस प्रकार हमने फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन के बुश निकाले हैं। कुछ बुश हार्ड होते हैं, उसे हमें जला के निकालना पड़ा, कुछ बुश हमें हाइड्रोलिक प्रेस पे विथ फिक्सचर हमने निकाले हैं, और विथ फिक्सचर ही हमने इसको उसमें फिट किए हैं। जैसे कि ये नकल आप देख रहे हो और ये सामने रॉड देख रहे हो, ये रॉड कम से कम रियर रॉड एंड फ्रंट रॉड कम से कम दोनों मिला के 4 रॉड 10,000 की होती है, और दो नकल मिला के 16,000 की होती है। अगर किसी बंदे ने हाइड्रोलिक प्रेस करते समय इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो ये रॉड बड़े महंगे सस्पेंशन सिस्टम जा सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर फिक्सचर जिसके पास है निकालने के लिए और बिठाने के लिए उसी के पास ही करवाए, अन्यथा ना करवाए, ये हमारी विनंती। अभी हमने फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर असेंबली जो हमारा ये पुराना है जो कि टोटली
खराब हो चुका है, टोटली वीक हो चुका है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये वीक हुआ है ना कि लीक हुआ है। लीक जब ये स्टड बेंड होता है तब होता है। इसमें जैसे नाइट्रोजन गैस होती है तो वो दबाव के कारण, ब्रेक के कारण लीक हो जाती है। तो जैसे गैस लीक होती है तो ये सस्पेंशन वीक हो जाता है, और जिसके कारण इसके पार्ट एक दूसरे से टकरा के ख़राब हो जाते हैं। अभी हम नया जो महिंद्रा का ओरिजिनल सस्पेंशन है उसको और इसको हम कंपेयर करेंगे, जो हम अभी ये XUV 500 में इंस्टॉल करने वाले हैं। जैसे कि अभी ये एक सस्पेंशन 12 या 12,500 रुपये विथ GST आता है, तो हमने ये सामने के दो सस्पेंशन महिंद्रा के ओरिजिनल डाले हैं, तो अभी हम इसको कंपेयर करेंगे। ये महिंद्रा का ओरिजिनल आता है, ओ यस, इसको अभी हम लगा के देखेंगे। ये हमारे, ये गैब्रिल का आता है, कंपनी फिटिंग गैब्रिल का ही करती है, वो भी गैब्रिल मैन्युफैक्चरिंग होता है, बट उस पर महिंद्रा गैब्रिल का नाम नहीं होता है, महिंद्रा का नाम होता है। तो जैसे कि हमने लगा के देखा तो हमारा नया सस्पेंशन ऊंचा दिख रहा है। जैसे हम काफ़ी समय से चलाते हैं तो इसके कॉइल जो होते वो बम की वजह से या ज़्यादा चलने की वजह से दब जाते हैं, तो ये पूरे स्प्रिंग दब चुके हैं और ये स्प्रिंग नहीं दब चुके। इसके लिए हमने डिसाइड किया कि हम पूरा ही असेंबली चेंज करेंगे। फ्रंट सस्पेंशन का काम होने के बाद रियर सस्पेंशन का काम हो चुका है। अभी ये पूरा काम होने के बाद ये, इसे कहते हैं बैलेंस रॉड, और बैलेंस रॉड के दो गूश होते हैं वो भी हमने बदली किए हैं। उसके बाद ये जो बड़ा रॉड होता है, जैसे रेयर रॉड कहते हैं, जो कि नकल में लगा होता है, और ये जो रॉड दिख रहा है उसे हम टाई एंड रॉड कहते हैं, जिस पर हमारा व्हील बैलेंस होता है। उसके बाद ये शॉक एब्जॉर्वर रेयर अपर आर्म जो दिख रहा है, और ये नकल के जो हमने बुशिंग लगा के लिए थे, पूरे के पूरे नए, नकल बदला नहीं है, नकल के बूश लगाए गए हैं। और उसके बाद ये लोअर आर्म होता है, लोअर आर्म के बूश, और रेयर में ही अब ये लिंक रॉड होता है, और ये फ्रंट ब्रेक रॉड, ये भी नकल में लिंक होता है, और ये शॉक एब्जॉर्वर, ये लोअर आर्म शॉक एब्जॉर्वर का असेंबली ओरिजिनल महिंद्रा का डाला है, और ये जो लिंक रॉड के पीछे होता है वो अपर रॉड होता है। अभी पूरा सस्पेंशन का काम देखेंगे। सस्पेंशन का काम पूरा हुआ है, और ये काम सुनील भाई ने किया है। तो सुनील भाई प्लीज बताओ क्या क्या काम हुआ है। अपन ने अभी तो फिलहाल तो अभी कैचे का बूश मारा है, हाँ, ये बॉल जॉइंट डाला, उसके बाद में टायर डन डाला। कौन सा टायर? ये टायर डन, हाँ, ये हो गया, ये बॉल जॉइंट हो गया, okay. उसके बाद में लिंक रोड हो गया, हाँ, उसके बाद में शॉकर हो गया, शॉकर असेंबली आपका महिंद्रा हो रही है, हाँ, बैलेंस रॉड का बूश डाला है, बैलेंस रॉड के बूश डाले, वैसे भी उधर ही भी किया, इधर भी वैसे किया, सेम इधर का पार्ट इधर, हाँ, और पीछे और रियर सस्पेंशन का क्या क्या हुआ है? उसके बाद में अपने ये रॉड चेंज किया, हाँ, नया रॉड डाला कंपनी, नया रॉड डाला कंपनी, उसके बाद में लिंक रॉड डाला, हाँ, बूश मार के लिया नक्कल का, नक्कल के लिए ये नक्कल का बूश मारा, रियर शॉकर भी डाला, असेंबली पूरा असेंबली डाला, महिंद्रा, उसके बाद में कैची का बूश भी मारा, हाँ, ये रॉड के भी बूश मारा, अपर आर्म रॉड,
अपरा रॉड को पुश मारा, उसके बाद में इधर के ये भी रॉड किया। हाँ ये तो नया डाला अपन ने। हाँ इसको ये नया डाला तो अच्छा रहता है कभी भी। ओके ब्रेक रॉड, ब्रेक रॉड। और ये अपना अलाइनमेंट रॉड है, अलाइनमेंट रॉड। ओके ये भी नया डाला। ओके ओके। और ये असेंबली का पूरा बुशिंग किया। हाँ असेंबली का पूरा बुशिंग किया अपने, लोअर आर्म अपर आर्म। ओके हाँ सेम 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 इधर भी वॉइस किया। ओके जैसे कि आपने देखा हमने 125W में पूरा सस्पेंशन का काम किया है। फ्रंट के दो शॉक अब्जॉर्बर, रियर के दो शॉक अब्जॉर्बर, फ्रंट के लोअर आर्म की बुशिंग, रियर के बुशिंग, सारे हमने ये बुशिंग चेंज किए हैं। इसमें हमें 90,000 रुपये का टोटल खर्चा आया है। तो ये 125W का टोटल सस्पेंशन का काम कम से कम मोटा मोटी 90,000 रुपये से 95,000 रुपये तक आता है। तो इसका ड्राइव एक्सपीरियंस जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा और हम इसका ड्राइव एक्सपीरियंस अब नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।